अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा दौरे को देखते हुए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ताज दीदार पर करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने वाला है। इसमें 70% खर्च सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर होगा। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के पास होगी, लेकिन बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी NSG और UP पुलिस के हवाले है। सुरक्षा ऐसी की गई है कि आकाश से पाताल तक परिंदा भी पर न मार सके, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां एक खतरे को लेकर बहुत चिंतित हैं। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता की वजह है बंदर, जिन्होंने इलाके में काफी उत्पात मचा रखा है। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो जाए, इसके लिए खास तौर पर लंगूरों को भी तैनात किया जा रहा है। इन लंगूरों के पास बंदरों के उत्पात को रोकने का दारोमदार होगा। ऐसे 5 लंगूरों की तैनाती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूट पर की जा रही है। वैसे तो ट्रंप सड़क मार्ग से ताजमहल देखने जाएंगे, लेकिन अमेरिका के 7 हेलीकॉप्टर आसमान से उनकी निगरानी करेंगे। इस पर भी कई करोड़ का खर्च आएगा। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से 14 किलोमीटर लंबे रास्ते में 10,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। ट्रंप के भारत आने से पहले ही अमेरिकी दल के 400 सदस्य आगरा पहुंच चुके हैं। आगरा प्रशासन के मुताबिक ताजमहल और एयरपोर्ट के बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई जिलों की पुलिस को लगाया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स, PAC, NSG कमांडो, ATS सड़क और छतों पर तैनात रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी टीम सैटेलाइट से भी निगरानी करेगी। देखिए 24 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे आगमन होने वाला है। उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। जगह जगह पे ड्यूटी का भी प्लेसमेंट किया जा रहा है। इस संबंध में अभी ब्रीफिंग भी की जाएगी। रूट की सर अगर बात किया जाए, 24 तारीख को रूट का डाइवर्ट रहेगा? रूट डाइवर्जन प्लान पेपर कई न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में और मीडिया में सर्कुलेट किया गया है, और जो मेन रूट है उस पर किसी भी प्रकार की कोई ट्रैफिक 24 तारीख को नहीं होगा। देखिए डाइवर्जन पॉइंट उस समय करीबन 12:30 के बाद लागू हो जाएगा। उसके बाद रूट पूरा क्लियर रहेगा, मेन रूट एवं कंटीन्यूसी रूट दोनों क्लियर रहेंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से रिहर्सल लगातार किए जा रहे हैं, अमेरिकी एजेंसी भी उसमें शामिल है। एक बात बात रिहर्सल हुए हैं अभी अभी होने इस बात। देखिए फ्लीट के रिहर्सल अपने आप में उनके उनकी चल रही है। जो भी फ्लीट के कमांडर्स हैं और अमेरिकी एजेंसी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर फ्लीट की रिहर्सल की जा रही है। जहाँ तक ताजमहल की सिक्योरिटी का ये है, उनके लिए उसके लिए अलग एजेंसी उनकी आई हुई है, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा 14 किलोमीटर लंबे VVIP मार्ग पर नई सड़कें बनाने, सौंदर्यकरण करने, रंगाई पुताई, सुरक्षा के जवानों की तैनाती करने के अलावा अन्य कार्यों पर करीब 16 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की कब्रों की रेप्लिका की पहली बार मड पैक ट्रीटमेंट के जरिए सफाई की जा रही है, ताकि उन पर एक भी दाग ना दिख पाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दोनों कब्रों पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर गंदगी और दाग मिटाने का काम शुरू कर दिया है। ताजमहल बनने के बाद ये पहला मौका है जब ASI कब्रों पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर मड पैक ट्रीटमेंट से सफाई कार्य करवा रहा है। न्यूज डेस्क।